सज्जनता, सरलता और विद्वता की प्रतिमूर्ति। माननीय नमस्कार आदरणीय, आज हम लोग बात करेंगे कि अपने शब्द जो हम लोग बोलते हैं, जो हमारे वाक्य हैं, वो शब्दों से बनते हैं और उन शब्दों की जो ताकत है और उनसे जो चमत्कार, जो मायरेकल्स हमारे जीवन में हो सकते हैं, उनके विषय में आज बात करेंगे कि हम लोगों के मन में एक दिन में कई हजार विचार आते हैं और वो विचार शब्दों से ही बनते हैं और वही हमारे मन में, दिमाग में चलते रहते हैं प्रतिदिन जो हम सोचते हैं। अगर हम गुस्से में रहते हैं, अगर हम एग्रेसिव रहते हैं, तो जो विचार नॉर्मली हमारे दिमाग में जो हजारों विचार आते हैं, उनसे 20% अधिक हमारे मन में विचारों का आवाहन रहता है। हमारे विचारों का जो चलन है मन में, स्पीड है, वो 20% अधिक होती है और विचारों की संख्या भी 20% अधिक रहती है। और यही अगर हम ध्यान, मेडिटेशन, शांति रखते हैं अपने मन में, कूल माइंड हैं, तो यही विचारों की संख्या 20-30% कम हो जाती है। इसका मतलब ये है कि जो हमारा माइंड है, उसका जो चारा है, जो खाना है, वो 20-30% विचारों के रूप का जो खाना है, वो जब हम शांत रहते हैं तो कंपेरेटिव टू नॉर्मल विचारों की संख्या से 30% कम हो जाता है। और जब हम एग्रेसिव होते हैं तो ये 20-30% अधिक होता है, ये लोड होता है हमारे माइंड के ऊपर। तो हम सोचने समझने की क्षमता जो है वो हमारी एग्रेसिव होने पर कम हो जाती है, और जब हम कूल रहते हैं तो ये बढ़ जाती है। कहने का मतलब ये है, अब जो हम सोच रहे हैं तो उनमें हमारे द्वारा चुने हुए शब्द कैसे हैं, किस तरह के शब्दों का चुनाव हमने किया है। तो जब कूल होंगे तो सकारात्मक शब्द, सकारात्मक विचारों का प्रवाह होगा, और जब हम एग्रेसिव होंगे, तनाव में होंगे, एंजाइटी में होंगे, डिप्रेशन में होंगे, तो वो नकारात्मक विचारों की एक रील चलने शुरू हो जाती है। अब करना क्या है, अब जो शब्द हम यूज कर रहे हैं, हमारे मन में जो विचार आ रहे हैं, तो वो बॉडी भी हमारी वैसी ही रिस्पॉन्ड करने लगती है। जैसे हमने सोचा कि मैं उदास हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, मेरे पेट में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है, तो आप जब सोचेंगे तो एक बार देखिए, अभी आप सोचिए कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं उदास हूँ, मैं गरीब हूँ। ऐसा जब आप सोचते हैं तो आपकी बॉडी भी लो एनर्जी फील करती है, और वैसा ही हमारे मन में, वैसा ही हमारा शरीर भी उन्हीं शब्दों के साथ रिस्पॉन्ड करता है। अब यही उलट आप देखिए, आप बोलिए मैं बहुत खुश हूँ, आई एम हैप्पी, तो देखिए आपके फेस में एक स्माइल आ गई, तो हमारी बॉडी ने रिस्पॉन्ड वैसा ही किया, समझ गए। तो ये रिस्पॉन्डिंग, बॉडी की रिस्पॉन्डिंग भी बदल जाती है। अतः करना क्या है, आज से ही कुछ समय, कुछ दिन के लिए हम अपने शब्दों का जो प्रयोग है, अच्छे शब्दों का प्रयोग अपने और दूसरों के लिए आज से ही प्रारंभ कर देंगे, और फिर देखेंगे कि कैसा फील करते हैं। अगर हम अच्छा फील करते हैं तो इसे आप कंटिन्यू रखिए, नहीं फील करते हैं तो आप इसको ना करिए। मेरा विश्वास है कि जब आप ऐसा करेंगे तो जरूर आप अच्छा फील करेंगे और खुश रहिए। ये जीवन अनमोल है, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये जीवन सिर्फ और सिर्फ एक है। थैंक यू।